नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। जो किसान भाई छोटे पैमाने पर देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं, उनके लिए आज का विषय महत्वपूर्ण है। आज हम देखने वाले हैं कि देसी मुर्गी में नेचुरल हैचिंग किस तरह करना चाहिए। देसी मुर्गी पालन करते समय अगर हमें घर पर ही चूज़े तैयार करने हैं तो हमारे पास ब्रूडी हैन होनी चाहिए, जिसे हम कुरुक मुर्गी भी कहते हैं, या ऐसी मुर्गी जो फर्टाइल अंडे के ऊपर बैठे और 21 दिन के बाद उन अंडों से वह चूजे निकालने में सक्षम हो, तो ऐसी मुर्गी को हम ब्रूडी हैन या पुरुक हैन बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे पास ऐसी ब्रूडी हैन है क्या। यह अगर आपको आइडेंटिफाई करना है आपके मुर्गियों के ग्रुप में ऐसी मुर्गी है क्या, यह देखना है, तो उसके लक्षण हमें पता होनी चाहिए। ऐसी मुर्गियाँ अक्सर अलग टाइप की आवाज़ निकालती है, कुरुक कुरुक आवाज़ उसकी आएगी। उसी तरह यह कोने में जाकर बैठती है, या आपकी कोई दूसरी मुर्गी अंडे दे रही है तो उस अंडे के ऊपर बैठने का काम यह ब्रूडी हैन या कुरुक मुर्गी करती है। तो इस तरह की मुर्गी अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो इस मुर्गी के नीचे हम तकरीबन 10 से 15 अंडे रख सकते हैं नेचुरल हैचिंग के लिए। तो हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है, ऐसी मुर्गी अगर हमारे पास है तो ठीक है, नहीं है तो आपको इस तरह की मुर्गी कहीं भी आपके गांव में दूसरे के पास मिलेगी तो वह आपको परचेस करनी है। और इसके बाद महत्वपूर्ण बात आती है कि आपके पास फर्टाइल एग होने ज़रूरी है। फर्टाइल एग भी आप चेक कर सकते हैं लाइट के ऊपर अंडा रखकर, उसमें अगर आप देखेंगे तो डे फर्स्ट पे ही आपको उसमें एक छोटा डॉट भी दिखता है। तो यह एक टेस्ट है, आप यूट्यूब के ऊपर भी चेक कीजिए कि फर्टाइल अंडे किस तरह हमें जाँचने हैं। तो आपको आपके पास अगर फर्टाइल अंडा है तो कुड़ुक मुर्गी के नीचे आपको तकरीबन 10 से 15 अंडे जो है रखने हैं। इसकी व्यवस्था जो है यह मुर्गी बैठने की, यह आपको आपके फार्म में एक कोने में करनी है जहाँ पर ज़्यादा लाइट आती ना हो, क्योंकि यह मुर्गियाँ इस तरह के ही वातावरण में बैठना पसंद करती है और मैक्सिमम टाइम जो है यह अंडे के ऊपर बैठकर बिताती है। तो आपको दूसरी बात यह ध्यान रखनी है कि इन्हें खाने के लिए फीड हो या अनाज हो, इस तरह की चीज़ें फीडिंग के स्वरूप में उसके पास ही आसपास आपको रखनी जरूरी है। उसी तरह यह दिन रात अंडे के ऊपर बैठती है तो उसके लिए पानी भी हमें वहीं पे अवेलेबल करके देना है, ताकि यह मुर्गी ज़्यादा समय अंडे से न उठे, क्योंकि यह सिर्फ अपना खाना और पानी इन दोनों चीज़ों के लिए ही अंडे के ऊपर से उठती है। अगर यह हम उसे वही प्रोवाइड करके देते हैं तो हमने जो अंडे रखे हुए हैं फर्टाइल, उसमें से ज़्यादा चूजे जो है वह निकलने के चांसेस रहेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है कि एक मुर्गी के नीचे कितने अंडे हमें हैचिंग के लिए रखने हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं 20-25 भी अंडे रख देते हैं, लेकिन आप ऐसा न करें, क्योंकि आप जितने ज़्यादा अंडे रखेंगे उतने जो है चूजे निकलने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि अगर मुर्गी उस पर प्रॉपरली बैठ नहीं पाएगी तो उसमें से चूजे निकल नहीं पाएंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि 10 से 15 अंडे एक मुर्गी के नीचे रखने हैं। इससे हमें फ़ायदा यह मिलता है कि हमारे एरिया में अगर हैचरी नहीं है, वहाँ पे डे ओल्ड चिक्स मिल नहीं रहे हैं, तो इस पद्धति से हम अपने घर पर ही चूजे बना सकते हैं। और आपको ध्यान यह रखना है कि अंडे हमने किस दिन रखे हैं और उससे रखने के बाद 21 दिन के बाद देखना है कि उससे चूजे निकल पाए या नहीं। चूजे नहीं निकलते हैं तो वहाँ अंडे आपको चेक करने हैं, उसके बहुत बार काफ़ी अंडे जो है ख़राब हो जाते हैं तो वह आपको डिस्कार्ड कर देने हैं। एक बार चूजे आपके पास तैयार होते हैं तो फिर हमने देखा है कि किसान भाई एक दिन से ही वह चूजे जो है मुर्गी के साथ छोड़ देते हैं चरने के लिए। तो ऐसा आप न करें। आपके पास जब एक दिन के चूजे आते हैं तो जो हमारे पास ब्रूडी हैन है तो उसी के साथ वह चूजे जो है हमें अलग से एक पिंजरे में रखने हैं, वहाँ पर बाकी मुर्गियाँ न आ पाए, तो उस पिंजरे में हमें पानी और रेडीमेड फीड रखना है। तो मार्केट में प्रिस्टार्टर नाम का रेडीमेड फीड मिलता है, तो यह दोनों बातें हमें तकरीबन एक महीने तक रेडीमेड फीड और पानी एक पिंजरे में रखकर उन चूजों को बड़े होने देना चाहिए। तो इस तरह से आप प्रॉपरली यह काम करते हैं तो एक महीने में जो छोटे चूजे हैं वह काफ़ी बड़े हो जाते हैं, और एक महीने के बाद जो है आप उन्हें खुला छोड़ सकते हैं तो बाकी मुर्गियों के साथ यह आराम से घूम फिर लेते हैं और अपना खुद का फीड जो है यह भी वह बाहर सक्षम रहते हैं लेने के लिए। तो इस तरह से आप नेचुरल हैचिंग कीजिए और अपने घर पर ही अच्छा एक मुर्गी पालन का छोटा बिजनेस शुरू कीजिए। आप सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।